वाराणसी में नीट नेट परीक्षा में हुई अनियमितता के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने डिग्रियां जलाकर बूट पॉलिश कर नाराजगी जताई। पटना में नीट परीक्षा धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एनटीए के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। देहरादून में यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का सड़कों पर प्रदर्शन, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर की। नीट पेपर लीक पर बिहार ईओयू ने सौंपे रिपोर्ट, शिक्षा मंत्रालय को अब तक की जांच की जानकारी दी। नीट परीक्षा धांधली के मामले में केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी ने बोला हमला, बोले संदीप पाठक पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री और पीएम जिम्मेदार, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, का परीक्षा कराने में सरकार हुई फेल। सफेद रंग की डस्टर गाड़ी से खुला था नीट पेपर लीक कांड का राज, आरोपियों की कार भी आई सामने 5 मई को, पटना पुलिस ने इसी कार के साथ आरोपियों को किया था गिरफ्तार। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के ठिकाने तक पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, खेम नीचक के लर्न प्ले स्कूल के बॉयज हॉस्टल में ही 4 मई की रात को अभ्यर्थी रुके थे 20 से 25। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा खुलासा, झारखंड के हजारीबाग सेंटर से लीक हुआ था पेपर, पटना में झारखंड की एक गाड़ी से बरामद हुए थे जले हुए प्रश्न पत्र। नालंदा से जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार, पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश, अब तक गिरफ्तार 13 आरोपियों से भी ये तार जुड़े हो सकते हैं। पेपर लीक कांड पर बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का एक और दावा, मास्टरमाइंड सिकंदर ने बिहार से झारखंड तक बनाई अकूत संपत्ति, सिकंदर की संपत्ति पर सफाई दे तेजस्वी। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराने के मामले में तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम से होगी पूछताछ, ईओयू ने जारी किया नोटिस, प्रीतम कुमार ने वक्त मांगा। नीट परीक्षा कांड में बोले तेजस्वी यादव, नीट परीक्षा लीक कराने का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, लेकिन नहीं हो रही है मामले की सही से जांच, एजेंसियों को निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए। पेपर लीक पर केंद्र सरकार ने नया कानून किया लागू, लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी, इसी साल फरवरी में पारित हुआ था कानून, नियम तोड़ने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की आज पहुंची यूपी के कुशीनगर, दिल्ली सीबीआई ने पूछताछ के लिए निखिल नाम के युवक को हिरासत में लिया। दिल्ली में जल मंत्री आतिशी के अनशन वाली जगह पर प्रदर्शन, डीटीसी के पूर्व मार्शलों ने जमकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में जल संकट पर संग्राम जारी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जल बोर्ड दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ, मौके पर पुलिस बल की भारी तैनाती। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने पानी की बौछार की, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली के किराड़ी में जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, ऑफिस के बाहर ताला जड़ दिया। पानी के लिए अनशन के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भोपाल स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा पानी मिलने तक अनशन जारी रहेगा। मंत्री आतिशी के अनशन पर कांग्रेस का वार, कहा पानी के मुद्दे पर हो रही है राजनीति, लोगों की चिंता होती तो पहले इंतजाम करती सरकार। हरियाणा के गुरुग्राम में कंपनी के एक कर्मचारी की मौत पर कर्मचारियों का हंगामा, जमकर तोड़फोड़ हुई, कर्मचारियों ने पत्थर चलाए, पुलिस की गाड़ियों पर भी पत्थर फेंके। हरियाणा के फरीदाबाद में हाईवे पर कार चालक की दबंगई आई सामने, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दबंग ने कार से घसीटा, पुलिस ने कार चालक को मौके से गिरफ्तार किया। एमपी के देवास में आदिवासी युवती के अपहरण मामले में आरोपी साहिल के घर पर चला बुलडोजर, अपहरण के आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है, अभी भी आरोपियों की तलाश चल रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गैंगरेप के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के कन्नौज में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, महिलाओं ने पथराव किया। बरेली में दिनदहाड़े 2 गुटों के बीच फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई, एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, मामले में शामिल कई लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस स्टेशन पर हुए पथराव का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, रेप के आरोपी को भीड़ ने अपने हवाले करने की मांग कर पथराव किया था। तमिलनाडु के कल्लाकुरीची में जहरीली शराब से हुई मौत के विरोध में बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तमिलनाडु के कल्लाकुरीची में जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत, मेडिकल कॉलेज में अभी भी शराब का सेवन करने वाले कई लोगों का इलाज जारी।
बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते और मजबूत, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत, कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के भारत दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। भारत दौरे पर पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, राजघाट पहुंची राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। दिल्ली में 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लिया बजट 2024-25 पर सुझाव। तेलंगाना की रेवंत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी, सरकार 2 लाख तक कर्ज माफ करेगी, 11 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के लिए लोन की माफी होगी। लखनऊ में सीएम योगी ने विद्युत विभाग के साथ बैठक की, प्रदेश में विद्युत से जुड़ी परियोजनाओं के कामों की समीक्षा की, बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की स्थिति जानी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास विभाग के कामकाजों की समीक्षा की, स्वायत्त शासन विभाग के साथ भी सीएम की बैठक। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में हुए हादसे के पीड़ितों को राहुल गांधी का भरोसा, कहा निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर बैठक की, अधिकारियों को यात्रा सफल बनाने के निर्देश दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए जारी किया विशेष कार्ड, इस कार्ड से यात्रियों को एयरपोर्ट के बाहरी गेट से लेकर बोर्डिंग तक सीधी एंट्री मिलेगी। आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण ने पार्टी कार्यालय में सुनी जनता की फरियाद, लंबित केसों को जल्द सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। महाराष्ट्र के बीड में ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके और वाघमारे ने खत्म किया अनशन, शिंदे सरकार के डेलीगेशन ने ओबीसी नेताओं को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। अयोध्या में राजू दास और डीएम के बीच झड़प की एबीपी न्यूज की खबर पर लगातार एक्शन, सीएम योगी ने राजू दास को से मुलाकात की, भूपेंद्र चौधरी ने नड्डा को इस बात की जानकारी। अयोध्या में कल हुए नोकझोंक मामले में रिपोर्ट तलब, प्रदेश बीजेपी ने अयोध्या इकाई से रिपोर्ट मांगी, कल अयोध्या डीएम ने महंत राजू दास से झड़प के बाद हटा लिया था गनर। यूपी के मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारी को लेकर बैठक में फरियादियों का हंगामा, सांसद हेमा मालिनी के पैरों में गिर गई फरियादी महिला, प्रशासन में हड़कंप मच गया। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी सीएम केजरीवाल के पीए वैभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक के लिए बढ़ गई, जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। नशे पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा प्रहार, विदेश से कुरियर से आ रहे 3 करोड़ से ज्यादा के गांजे को जब्त कर लिया, आरोपी गिरफ्तार है, अब जांच जारी। नोएडा में महिला डॉक्टर को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 1,30,00,000 की ठगी, साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया, जालसाजों की तलाश शुरू। राजस्थान के भीलवाड़ा में मेघराज रॉयल के ठिकानों पर सीबीआई की रेड, खनन और होटल के बड़े कारोबारी मेघराज सिंह शेखावत के ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच। यूपी के बहराइच में मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, ठग के पास से निकली नियुक्ति पत्र और फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। लखनऊ में दूध के व्यापारी पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला किया, बीच बचाव करने आए दूसरे युवक पर भी फायरिंग, दोनों युवकों की हालत गंभीर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।